गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम ओल्ड मनाली. ओके गुड मॉर्निंग. अभी जब मैं उठा था सुबह तब बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ. फिर उसके बाद ठंड लगने लग गई मुझे. मैं वापस बिस्तर में घुस गया और अब मैं उठा हूँ तो मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन अभी भी बर्फ है. देखो जरा. तो अंधेरे में चलाया हुआ तीर हो गया है सक्सेस, क्योंकि ये होटल ही इसलिए लिया था कि शायद यहाँ से व्यू आए. और मेरी 12th sense ये बोल रही थी कि ये जो टेबल एंड चेयर वगैरह हैं ये व्यूज़ के लिए ही लगाई हैं, है ना. तो ऐसा ही कुछ हुआ और सुबह उठ के पता चलने वाला था कि होटल कैसा है, व्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और व्यू मिला, मेरे रूम से भी अंदर से भी व्यू मिल रहा है. लेकिन अभी लवी सोया हुआ है अंदर, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से. अभी लवी सोया हुआ है, मैंने अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो भड़क गया कि सोने दे वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं बाहर से शुरू करता हूँ, अभी अंदर से भी दिखाऊँगा. तो मैं तो हो गया हूँ रेडी, लवी अभी सो रहा है. बाकी कहीं ऐसी लोकेशन पर मैं जा नहीं सकता उसको छोड़ के, तो ओल्ड मनाली का टूर क्यों ना किया जाए. ओल्ड मनाली भी तो खुद में एक वो है. अब समझ में आया कि क्यों बोलते हैं लोग कि ओल्ड मनाली अलग हो गया, मनाली अलग हो गया, बिकॉज ऑफ दीज व्यूज़. इन व्यूज़ की वजह से ऐसा बोलते हैं कि मनाली अलग, ओल्ड मनाली अलग. तो बारिश वगैरह बंद है, बर्फ है सिर्फ. तो आज क्या करते हैं पता नहीं, बट आई एम रेडी टू सेट फायर इन ओल्ड मनाली. अभी चलता हूँ मैं नीचे, बाहर से लॉक लगा देता हूँ रूम का, जब उठेगा तो कॉल कर लेगा. इतने ओल्ड मनाली की गलियाँ देखते हैं कि क्या है ओल्ड मनाली की गलियों में. ये रहा पीछे मेरा होटल. अभी मैं चला हूँ ओल्ड मनाली की गलियों में और मैं अपना मास्क भूल गया हूँ ऊपर. अब वापस ऊपर जाने का मन नहीं है, तो मैं कहीं मिलेगा आगे मास्क तो वहाँ से ले लूँगा. अभी मेरे पास अभी टाइम हुआ है 9 बज चुके हैं और खूबसूरत लग रहा है. लेकिन अब मैं दिखाता हूँ गलियाँ ओल्ड मनाली की. ये कोई कैफ़े वगैरह है यहाँ पे, यहाँ पे पूरी रात म्यूज़िक बजा है, मतलब नॉट इरिटेटिंग वाला, अच्छा सा म्यूज़िक. एक व्यू था, वाह. ओके चलो चलो चलो. ये जो पानी आ रहा है ये बर्फ़ पिघलने से आ रहा है, क्योंकि धूप निकल गई है और बर्फ़ हल्की हल्की पिघलने लग गई है ऊपर से, तो इसलिए ये सब हो रहा है. याक मुझे याद नहीं कि मैंने कब देखी थी याक, कहीं देखी भी है या नहीं. पीछे दो चार और घूम रही थी याक. अभी मैं इसी रोड पे जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जाएगी. ऊपर बर्फ, हवा चल रही है काफ़ी ठंडी ठंडी. अरे वाह क्या पहाड़ है सामने. अभी मैं चल रहा हूँ तो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर मारो हिलने ढुलने को, और जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर फोकस रखो. ओके यहाँ तक आके रह गया है, यहाँ तक आया है स्नो. उसके बाद नीचे घरों पे नहीं गिरा, उनकी छतों पे. फिर भी यही बोलेंगे कि मनाली में स्नोफॉल हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा. ये है ओल्ड मनाली विलेज, ये रिमोट एरिया है यहाँ का. तो यहाँ पे घर भी कुछ ऐसे ही हैं, कच्चे पक्के से. शायद टूरिस्ट वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे. वैसे तो हर जगह ही नज़ारे नज़ारे हैं, बट फिर भी मैं एक पॉइंट की वो देख रहा हूँ कि कोई एक पॉइंट मिल जाए मुझे जहाँ से मैं अच्छे से निहार सकूँ. आवाज़ आ रही है पानी की, कि तेज़ पानी चल रहा है. आ, 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 आ. रिवर है शायद यहाँ पे. एक मिनट. अरे वाह ये रिवर ही है नीचे. कैसे उतरूं भाई, फिसलना जाना. चलो 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 चलो
चलो, अरे फाक, व्हाट अ व्यू, वाओ वाओ, व्हाट अ व्यू। नदी ऊपर, बर्फ, वाओ, नाइस। हाँ, ऐसा ही पॉइंट में कुछ देख रहा था कि कुछ ऐसा मिले जहाँ पर ये पीछे बर्फ, नदी हो। अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग अगेन। हाँ, तुझको बस आया है धड़कन में। यहाँ तो फोटो हो जाए, मतलब नॉट मेरी, अभी लवी सोया हुआ है, इसकी लोकेशन की फ़ोटो हो जाए और फोटोज़ वगैरह सब कुछ, इतना कुछ मिलेगा इंस्टाग्राम पर मेरे, जिसका लिंक, या जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लेना कि क्या क्या फ़ोटोग्राफ्स लिए मैंने। मुझे पता है कि मैं ये ख़तरनाक वाली फ़ोटोज़ लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे होगी फ़ोटोग्राफी मेरी डन। और आगे गांव ही गांव है, और मुझे लग रहा है कि रास्ता बंद है, बट फिर भी मैं जाके देखूंगा बंद है कि नहीं है, तो चलते हैं आगे की ओर। अभी सामने होटल टाइप कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर किसी ने अच्छा सा घर बनाया होगा अपना। आंटी जी काम में मगन। गौ माता, हमें कुछ नहीं आता। अरे वाह, यहाँ से भी अच्छा है, रिवर एंड सूरज दादा। लग रहा है कुछ गर्मा गर्म पक रहा है यहाँ पे, और इसे देख के मुझे भूख का एहसास होने लगा। उस वाले घर में मज़ा आएगा नहीं, वहाँ पे अच्छा सा व्यू मिलेगा। चलता हूँ मैं, पता नहीं क्या जंगल वाला सा एरिया आ गया, पर शेर तो जंगल में जाने से भी नहीं घबराते ना, तो चलो फिर। आपनी मनाली शोभली ढाली, इसका क्या मतलब है? ये खूबसूरत रास्ते, अगर जो हो पाता तो मैं नीचे ज़रूर जाता, लेकिन नीचे जाऊंगा तो फिर मैं सीधा ऊपर भगवान के पास चला जाऊंगा। व्हाट अ व्यू, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मिलेगा अच्छा सा व्यू। पर ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रही भाई, कहाँ तक जाएगी? वाओ वाओ, चलते चलते मैं इस घर के पास भी आ गया। तेरी वाओ पॉइंट, वाओ, ये मिला ना पॉइंट। सीनिक ब्यूटी भाई, व्हाट अ व्यू भाई, व्हाट अ व्यू। मतलब कैसे बताऊं, मतलब वाओ वाओ। धूप हो रही है काफी तेज, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चुभ रही है, हवा लग रही है बहुत तेज, और मेरे हाथ सुन हो गए हैं अभी। वो जो व्हाइट वाला है ना, बोलते हैं ना कि व्हाइट है स्नो, इतना व्हाइट होता है स्नो। ये हल्का हल्का पानी का शोर, ये ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़, और इधर से धूप, और मैं अकेला, मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। काश हो हर सुबह ऐसी ही। ये नदी का जो शोर है ना, हल्का हल्का सा शोर, अरे भाई उड़ मत, इतनी तेज हवा चल रही है, मेरा माइक मत उड़ा दे। अरे वाओ वाओ, इसकी तो माँ का, रुको जरा एक मिनट। तो जी, देखते देखते हो गया है काफी टाइम, पीछे एक बार और बाय बाय कर दो इसको। अब चलता हूँ मैं वापस, सबसे पहले जाके लवी को उठाऊंगा, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। क्या टाइम हुआ है? 10 बजने वाले हैं।
अरे रे, अच्छा लग रहा है, लेकिन पसंद आया मुझे जगह। जहाँ मेरा होटल है कह सकते हो, ओल्ड मनाली के बीच में। तो दो रास्ते थे मेरे पास, नीचे को चले जाऊँ या फिर ऊपर को आ जाऊँ। तो ऊपर को आना प्रेफर किया मैंने। जब ऊपर, इतनी ऊपर आ गए मनाली तक, तो थोड़ा सा और ऊपर सही कुछ अच्छा नज़ारा तो मिलेगा ना। बाकी देखते हैं नीचे भी, अगर जो नहीं उठेगा तो मैं फिर नीचे की ओर चलूँगा, बट कोशिश करूँगा कि वो उठ जाए, क्योंकि लेट तो मैं खुद ही हो गया हूँ आज, वरना फिर मेरा ये, वैसे मैं उठता नहीं हूँ रोज़, लेकिन वैसे मैं उठता नहीं हूँ रोज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जल्दी जल्दी, लेकिन जब भी मैं घूमने आता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा जल्दी मैं उठ सकूँ उतना ज़्यादा जल्दी मैं उठता हूँ। तो मैं खुद आज लेट ही उठाऊँ, सनराइज़ मैं करवाता ही हूँ वैसे जब मैं बाहर जाता हूँ। तो आज भी वैसे मैंने सनराइज़ कराया, व्लॉग में नहीं है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी सनराइज़ कराया मैंने, बट सनराइज़ ही लेट हुआ। अगर जो सनराइज़ पहले हो जाता तो मिस हो जाता मुझसे। अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। आया मौसम, छोटी छोटी सी गलियां, बराबर में नदियां, पीछे पहाड़ियां, क्या बात है। अब चलते हैं वापस अपने होटल की ओर, फिर उधर देखते हैं कुछ मिलेगा तो, या फिर गलियां में कहीं भी निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कुछ और भाई बंधु निकल गए हैं अपने होटल से, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये भी रहा मंजिल कहाँ होगी इनकी। फिर से गौ माता तक मैं पहुँच गया हूँ, गौ माता अभी तक खाई रही हैं। वाह, टन 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 टन। ये देखो प्रॉपर विलेज है, गांव का एरिया प्रॉपर। अभी ना मैं जब जैसे नीचे उतर रहा था तो मुझे आवाज़ आई ढोल नगाड़ो टाइप थोड़ी सी, तो फिर मैंने पूछा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो मुझे पता चला कि इधर है मनु मंदिर और ये है शॉर्टकट वाली गली। तो लवी को उठाता हूँ बाद में, टाइम तो काफ़ी हो गया है, पर अभी देखता हूँ मनु मंदिर कैसा है। थोड़ा पूछ पूछ के जाना पड़ेगा, कुछ दिख नहीं रहा।